हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। और बता दें कि अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और आज है 20 अक्टूबर, संडे। आज संडे है और भाई अभी आपका रेडी हो चुका है और अभी जा रहा है ट्यूशन पढ़ाने के लिए, क्योंकि दुर्गा पूजा के छुट्टी के दौरान जितनी सारी क्लासेस मिस हुई थी, लगभग 3-4 क्लासेस, तो भाई अभी उसको बैकअप करने वाला है हर वीकेंड पर। तो आज है संडे और सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम जाने वाले हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए, फिर उसके बाद इस्कॉन टेम्पल जाने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो का स्टार्टिंग मैं कल ही कर दिया था, तो आप थोड़ा कल वाले वीडियो को देखो, कल मैं कहाँ गया था, क्या कर रहा था, उसी में आपको वेलकम किया जाएगा इस वीडियो में। और चलते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आपसे मिलते हैं कहीं पर, लेकिन मिलेंगे ज़रूर, तब तक आप देखो उस वीडियो को। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पटना एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल देवराज शर्मा। और बता दें कि भाई अभी आपका जा रहा है GM रोड कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए, शॉपिंग इन द सेंस कि कुछ ज़रूरत के सामान लाने जा रहे हैं अभी हम, और हमारे सहयोगी पार्टनर आज हैं यहाँ पर, देख सकते हैं मिस्टर अजय कुमार, जिनको आप पुराने वीडियो में कई बार देख चुके हो। तो चलिए चलते हैं और बात आपको बताते हैं आगे की। दोस्तों, आगे की बात करने से पहले आपको पहले ये बता दें कि भाई आपका पटना आ चुका था 14 अक्टूबर को और आज है 19 अक्टूबर, और इस बीच हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे और ट्यूशन वगैरह पढ़ाने जा रहे थे, जिसको थोड़ा बैकअप भी करना था इतने दिनों की लंबी छुट्टी के बाद। तो आज फाइनली सैटरडे है तो वीकेंड है, तो आज थोड़ा हम लोग समय निकाले हैं अपने लिए और भाई के लिए भी, क्योंकि हमने एक वीडियो डाला था जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, उसमें मैंने बताया था यहाँ पर आपको काफ़ी सस्ते सामान मिलते हैं। तो अजय उस वीडियो से इंस्पायर होकर के मुझे बोल रहे हैं चलो मुझे भी चलना है, तो भाई रेडी हो गया। हाँ दोस्तों, कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट बहुत ही चीज़ें खरीदना है मुझे डेली यूजेस के, डेली नीडेड। हाँ तो अब चलते हैं फाइनली। और बता दें कि अभी हम लोग हैं यहाँ पर मलाई पकड़ी रोड में, यानी कि उसी रोड पर आगे बढ़ रहे हैं, और अभी हम लोग यहाँ से सिटी बस या फिर ऑटो से पकड़ के जाएंगे। तो अब मिलते हैं डायरेक्ट हम आपसे मछुआ टोली में। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ यही मकसद था, क्योंकि कुछ भाई कमेंट कर रहे थे, बताइए भैया कि ये जगह जाने का प्रॉपर एड्रेस क्या है। तो प्रॉपर एड्रेस मैं बताने वाला हूँ, अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर एग्जैक्ट मछुआ टोली। आपको भी यहाँ पर ऐसे कैसे तैसे पहुँच जाना है, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को फॉलो करो। बैक कैमरे से बात करते हैं आपसे, सामने देख सकते हैं स्टाइल बाजार है, इधर से आपको ये मछुआ टोली का मेन जगह है, इधर से आपको जाना है, इधर लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही आपको एक रोड मिलेगा, GM रोड है, तो वहीं पर चलते हैं। जो रोड देख रहे हो ना, जहाँ पर एक बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, और सामने में एक और आपको लोकेशन दे, लैंडमार्क दे देते हैं जहाँ लिखा हुआ रिद्धि सिद्धि, यहीं से आपको अंदर की ओर जाना है। तो अंदर ये है GM रोड, सामने में लिखा हुआ भी था, और अभी हम यहाँ पर केनरा बैंक का ATM यूज़ करेंगे पैसों के लिए, तो चलते हैं। अगर आप यहां तक आ जाते हो तो सामने में आपको राइट साइड में मिलेगा जनता होटल, और जनता होटल के जस्ट बगल में एक गली है, वही गली से आपको अंदर जाना है। तो चलिए बैक कैमरा दिखाते हैं। अब आपको अंदर आते जाना है, वैसे अभी सुबह का टाइम है तो दुकान सारे काफ़ी बंद है, और सुबह के टाइम में मैं इसलिए आया क्योंकि शाम को मुझे जाना है ट्यूशन पढ़ाने के लिए, तो समय को मेंटेन करना है, तो काफ़ी सारे दुकानें बंद है, अब देखते हैं कब तक खुलता है। अभी चलते हैं अंदर और आप बने रहो। तो दोस्तों, अभी हमें यहाँ पर डी सेक्टर पार्क में तो एक हमारा भाई मिला है, और भाई का नाम सबसे पहले जानते हैं। पीयूष पावर मेरा नाम है। पीयूष पावर नाम है, वैसे ये राजपूत है तो राजपूत अपना पावर दिखाता है, तो ये अपना पावर लगा लिया टाइटल में, पीयूष पावर नाम है। और बता दें कि अभी हम यहाँ पे वीडियो एडिट कर रहे थे, जो वीडियो आप देख रहे हो उसी वीडियो का इसके पहले वाला पार्ट को एडिट कर रहे थे, ठीक ना। तो भाई आया पीछे से देख रहा था कि शायद मैं एडिट कर रहा हूँ, तो इन्होंने कहा कि मेरा एक चैनल है भैया, मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम बोले क्यों नहीं कर देंगे, और हम शेयर कर देते हैं, आप आई बटन पर देख लेना इनका चैनल। चैनल का नाम बताइएगा। गोगो टीवी। आप आई बटन पर देख सकते हो, अगर आपको अच्छे लगे इनके वीडियो तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई के चैनल को। बस सीन यही है इधर का, अभी ट्यूशन पढ़ा करके हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट ले रहे थे 15-20 मिनट का, अभी एक और पढ़ाने जाना है, तो बस सीन यही है, मिलते हैं आपसे। तो ट्यूशन पढ़ाने के बाद अभी बज रहे हैं इवनिंग के 6 और आज है संडे, तो भाई अभी जा रहा है इस्कॉन टेम्पल पैदल। कॉलोनी मोड में भाई पढ़ाता है ट्यूशन, और वहाँ से पैदल जा रहा है इस्कॉन टेम्पल। तो चलते हैं, अभी चिड़ियाटा कूल में है, तो आप इस रोड का तब तक बिरोध रखो, और आपसे डायरेक्ट मिलते हैं इस्कॉन टेम्पल में।
देखो सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल पुराना वाला जो था वो टूट चुका है, यानी कि जो नया टेम्पल बन रहा था उसमें स्थापित किया गया है इस प्रतिमा को, और आरती वगैरह वहीं पे होता है जहाँ पे हम लोग पहले क्लास करते थे, और क्लास अब वहाँ पे होता है जहाँ पर जन्माष्टमी के दिन प्रोग्राम वगैरह किया गया था। तो अभी हम चलने वाले हैं पहले क्लास, वहाँ पे क्लास हो रहा है और चलते हैं, पहले क्लास अटेंड करते हैं, वहाँ का सीन दिखाते हैं। अभी अंधेरा है इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूँ। और ये है, पहले क्लास किया जाता था यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे आरती होती है और पूजा वगैरह होता है, और यहाँ से भी हम लोग चलेंगे ऊपर में जहाँ पे क्लास होता है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको। इस वीडियो को मैं शूट किया था क्लास समाप्त होने के बाद, तो क्लास यहीं पे हुआ था। और बता दें कि आज के दिन में दिल्ली इस्कॉन से आए हुए थे एक डिवोटीज जो प्रभु जी थे, जैसा कि आप तस्वीर पर देख रहे हैं, इन्होंने ही आज क्लास लिया। तो अब चलिए दिखाते हैं आपको आरती का सीन। तो गाइस फाइनली प्रसादम ग्रहण करने के बाद, आरती कीर्तन भजन करने के बाद आ गए हैं रूम, क्योंकि थोड़ा सा समय देना चाहिए भक्ति भावना पर भी। और बस यही मेरा मानना है कि सब जगह अपने आप को व्यस्त रखना, हमेशा बिजी रहना, तभी आपको मन लगेगा सब चीज़ में। और इस्कॉन टेम्पल की अगर बात करें तो वो पुराना टेम्पल जो हमने वीडियो बना रखा था पहले, आप देख सकते हो उसे, वो सारे टूट गए हैं। और नए इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन जो है 31 जनवरी को होने वाला है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसे, मतलब कि टेम्पल में जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है श्रीला प्रभुपाद जी का जो प्रतिमा है, उसे अभी फ़िलहाल टेम्प्रोरी के लिए रखा गया फर्स्ट फ्लोर पे, जहां हम लोग पहले क्लास किया करते थे। और बस अभी क्लास जो है हो रहा है उसके ऊपर वाले फ्लोर पे हो रहा है, जहां पर रंगारंग कार्यक्रम किया गया था, आप इस वीडियो पर देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने बारीकी से सारे बताया है वहाँ के बारे में, इस्कॉन टेम्पल के बारे में। तो बस इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए जानकारी के साथ। और हमारे कुछ भाइयों कमेंट कर रहे हैं यहाँ के कोचिंग वगैरह के बारे में बताने का, तो नेक्स्ट करके धीरे धीरे करके आपको सब जानकारी देंगे। तो फिलहाल यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड, वंदे मातरम, बाय बाय।